आइए पार्क के लिए। बगले में थी ना, लेकिन साला दूसरे विदेशी साइरस का लाइट है। दूर में देखा बात देख, और बगल में देखा बात, लेफ्ट राइट होगा, राइट होगा, राइट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरबीएस टू ब्लॉग्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया हूँ, जो कि दोस्तों बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप देखेंगे लास्ट तक तो मैं उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा, ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं, ये अस्सी घाट बनारस जिला है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राचीन नगरी, जिसे हम काशी नगरी भी बोलते हैं, और उसे उसका एक नाम है वाराणसी। दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ का एक घाटों में घाट, एक अस्सी घाट है वहाँ का। ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और काफ़ी सारी भीड़ उमड़ रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और दोस्तों ऐसे लगातार लोग आते रहते हैं। और दोस्तों खास बात यहाँ ये है, बहुत सारी बोट वगैरह पानी में घूम रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लोग आते हैं दोस्तों, इस पार से उस पार जाते हैं, वहाँ पे जाते नज़ारे दिखने को मिलते हैं, जैसे आप देख पाएंगे कि आगे वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा। और ये देख रहेंगे, ये मिस्टर आशीष जी भी हमारे साथ हैं, हेलमेट लिए हुए खड़े हैं, देख रहे होंगे आप। और दोस्तों इनका एक चैनल है एज ए टाइम पास, और हम लोग आए हैं दोस्तों एक अस्सी घाट पर, देख रहे होंगे यहाँ पे मुर्गे की पंख वगैरह है यहाँ पे, यानी कि दोस्तों यहाँ पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं आप, बाहर भी मना सकते हैं, पानी के अंदर भी मना सकते हैं, ये बोट वगैरह ले आके बुक करके। दोस्तों इसमें और भी नज़ारे आपको दिखाएंगे, आप देखते रहे लास्ट तक। जैसे कि ये देख रहे होंगे लोग यहाँ पे डांस वगैरह भी कर रहे हैं नाव पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग अपने हिसाब से 20 रुपये चार्ज होता है। और ये है दोस्तों अस्सी घाट, जहां हम इन करते हैं, पहले आते हैं दोस्तों यहीं पे, पीएम मोदी जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये सीढ़ियां हैं अस्सी घाट की तरफ जाने के लिए। और अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, ये अस्सी घाट है दोस्तों, वहाँ पे आप अस्सी घाट लिखा हुआ देख पा रहे हैं। और यहाँ खास बात ये है कि दोस्तों ये भीड़ जो है रोज़ ऐसे ही लगी रहती है। और ये जो देख रहे हैं दृश्य दोस्तों, ये एक मूवी है दोस्तों दिनेश जी की, यहाँ पे रिलीज शूटिंग भी वगैरह भी हुई है पूरी मूवी, और कंगना शेरावत की कोई मूवी है दोस्तों यहाँ पे हुई थी हाल ही में ही। दोस्तों मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा खास बात, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ती रहती है, ये जो भीड़ भोपाल चाट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और दोस्तों ये मार्केट वगैरह भी लगी है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं हर चीज़ है, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है दोस्तों, आप ये कंगन वगैरह भी ले सकते हैं। और दोस्तों खास बात, यहाँ पे ये फॉरन लोग भी आते हैं, विदेश से लोग भी आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे, आपको मैं उनके भी नज़ारे दिखा देना चाहूँगा अपने वीडियो में, कुछ देर के लिए ज़रूर आप देख पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अलग अलग नज़ारे आपको देखने के मिलेंगे अस्सी घाट के दोस्तों। और ये आप देख रहे होंगे लोग अपने साथियों के साथ आए हैं, और यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारी पार्किंग, बहुत सारी भीड़ उमड़ी दोस्तों। और ये गाड़ी लगाने के बाद भी लोग आप देख रहे होंगे ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं, और रास्ते की हाल तो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों ये भीड़ सिर्फ अस्सी घाट की है दोस्तों, ये भीड़ रोज ऐसे ही उमड़ रही है, आप देख रहे हैं। ये लोग जो नाव से जा रहे हैं दोस्तों, वो उस पार जा रहे हैं, नदी के उस पार जाएंगे, 20 रुपये चार्ज होता है ऐसे नाव का, तो ऐसे देख करके जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर पिकनिक वगैरह मनाएंगे। और देख रहे हैं वही करने के लिए घूमने, यहाँ चाय दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लेमन टी मिलता है, यहाँ दूध की चाय नहीं मिलती दोस्तों। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग लगातार आते रहेंगे, थोड़ा सा आज हमारे वीडियो में है दोस्तों अस्सी घाट के ही है।
देख रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा पूजा होती है। हम बहुत सौभाग्य करते हैं इनका कि हमारे 80 घाट पे मौजूद है। और आप देख पा रहे हैं खूबसूरत नज़ारे दोस्तों यहाँ के। और जो नाव देख रहे हैं दोस्तों वो पानी में है। वो दोस्तों ये जो नाव मैं इसकी बुकिंग आपको सुना दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसके कुछ अलग चार्ज है बुकिंग के, आप ध्यान से सुनिएगा। भैया कितना किराया है इसका? यह बुकिंग चलता है। कितने बुक होती है लगभग? जैसे कि आप दोस्तों सुन पा रहे होंगे कि ये बताए 10,000 में इसकी बुकिंग होती है। तो दोस्तों ये बुक होती है, अब इसमें पूरे 12 घंटे के लिए बुक होगी आपके लिए। इसमें पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये 80 घाट के मेन दोस्तों, ये मेन 80 घाट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे गौ माता भी योगी के राज में, लेकिन बनारस में फिट है, आनंद ले रही है बनारस में। और दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 80 घाट है, मेन 80 घाट यही है दोस्तों। और इसके अगल बगल बहुत सारे 10 अश्वमेध घाट है, बहुत सारे घाट है दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे नज़ारे अंग्रेज, आप देख पा रहे होंगे फॉरन लोग भी आए हैं कहने का मतलब। और हमारे मिस्टर आशीष जी बोल रहे हैं उनसे थोड़ा बात करने के लिए। तो हम किसी को क्यों परेशान करें, अभी हम कुछ करने आए और आए हैं, हम जाए उनको डिस्टर्ब करने तो अच्छी बात नहीं है, जैसे हम वैसे वो। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये पानी का नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे एक नाव भर चुकी है और ये जाने की तैयारी में दोस्तों, अब ये जाएगी। और दोस्तों वो आप देख पा रहे होंगे बहुत दूर सर देख रहे होंगे, वहाँ भीड़ सारी उमड़ी हुई है, वहाँ पे अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ, जाऊँगा। देख पा रहे हूँ वैसे ये लोग वहाँ जाते हैं घूमते हैं, वहाँ पे अलग अलग से नज़ारे हैं दोस्तों। वहाँ पे घोड़ा वगैरह भी है, आपको उस पे सवारी करा करके घुमाया जाएगा। और दोस्तों वहाँ मेला भी लगता है सुनने में ऐसा आ रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी सामान वगैरह भी मिल रही हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्रेसलेट वगैरह, हाथ के कंगन, रक्षा वगैरह, ये सब फूल माला चढ़ाने के लिए सब कुछ है यहाँ पे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेसलेट हैं और कंगन है दोस्तों, ये अजीब मस्त बेहतरीन तरीके के तौर तरीके से बनाए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे भीड़ आप देख पा रहे हैं, लोग आने की, अभी आने की ये भीड़ है और जाने की भीड़ तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ही। तो दोस्तों आप देखते रहें वीडियो को। और आप ये देख रहे हैं 80 घाट है दोस्तों, ये आप देख पा देख लीजिए ढंग से। और इसको दोस्तों इसके आसपास में बहुत सारे घाट देखिए, 10 अश्वमेध घाट है, मंगल घाट है, सब ये लाइन से सब दोस्तों घाट ही घाट हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये बनारस का गंगा नदी है दोस्तों, देख पा रहे होंगे। और ये है नज़ारे दोस्तों 80 घाट के, और ये सुपर बेहतरीन नज़ारे आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। ये बहुत सारी भीड़ उस पार गई है रेत पर दोस्तों, ये सारी भीड़ जो आ रही सब वहीं जाने के लिए आ रही है, आप देख पा रहे हैं। चल चल ना, भीड़ लगी है दोस्तों। ये हमारे सौरभ सिंह जी हैं और ये इसी जो मैंने अब आपको दिखाया दोस्तों, 10,000 की बुकिंग हो रही है। इसका नाम है गंगा तैरिनी दोस्तों। अब ये अब जो ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये नाव जो है एक स्पेशल नाव है दोस्तों, इसको बुकिंग पे ले जाया जाता है। जैसे ये जो नाव जा रही है छोटी छोटी नाव है दोस्तों, इसके साथ आपको स्टीमर लगा हुआ है, मतलब मोटर लगे हुए हैं, आप जा सकते हैं उससे। ये जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे, जाने की भीड़ है दोस्तों, आप देखते रहे, ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये जाने की भीड़ है। ये हमारे हनुमान जी मंदिर है दोस्तों, बहुत प्राचीन मंदिर है, इनकी बहुत सारा पूजा होता है। और सौभाग्य हमारे तट पर हैं, ये हमारे 80 घाट पर विराजित हैं दोस्तों। और हमारे बाबा हैं ये, और ये 80 घाट पे बहुत पुराने बाबा हैं, इनकी भी बहुत सम्मान होती है हमारे 80 घाट। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो बुकिंग की नाव होती है उनके साथ एक छोटी नाव जाती है अलग से, उस पर 2 लोग सिर्फ होते हैं, वो पनडुब्बी होते हैं लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई गिर गया तो उसमें वो जाकर साथ तो बचा लेंगे। और ये बाबा आप देख पा रहे होंगे सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे बैठे रहते हैं, गंगा को ताकते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, पूजा पाठ करते रहते हैं, दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। और मिस्टर हमारे आशीष जी हैं जो जाकर के उनसे आशीर्वाद लेंगे, आप देख पा रहे हैं।
दोस्तों वीडियो में ये मिस्टर आशीष जी हैं दोस्तों हमारे एजेंट टाइप पास इंडिया चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा हम सब साथ आए हैं आज वीडियो बनाने के लिए पक्ष पर, जितने हम लोग आए नहीं थे और हम लोग को ये देख करके दृश्य बनाना पड़ा है वीडियो, तो इस वीडियो को शॉर्टकट बनाया गया। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ खेद है तो हमें माफ़ करिएगा, और आप ये भीड़ तो देख ही रहे हैं दोस्तों, बस भीड़ को देखते हुए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। मन चाहता है लोग खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, मतलब पैदल वाले लोग भी नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों, कहने का मतलब इतनी भीड़ है आप देख रहे होंगे, और कुछ लोग तो ऊपर खड़े हो गए हैं दोस्तों भीड़ से बचने के लिए साइड में। जी दोस्तों ये 80 घाट के नज़ारे हैं दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको। और दोस्तों ये खास बात 80 घाट की ये है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन 80 घाट यही है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, और यहीं वो झाड़ू लगाए थे नीचे, ये जो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, ये जो अंग्रेज लोग जा रहे हैं आप देख रहे हैं, इनके आसपास ही सीढ़ियों पे वो झाड़ू लगाए थे, यहाँ पे वो झाड़ू लगाए थे भगवान जी की मूर्ति के पास। यहाँ पे दोस्तों एक फिल्म की शूटिंग भी हुई है, और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों नाव के नज़ारे हैं ये, और नाव पे लोग एक साथ बैठ करके जाएंगे दोस्तों, और ये नाव स्टीमर द्वारा चलती है, कहने का मतलब मोटर द्वारा चलती है दोस्तों, और आप देख रहे हैं वहाँ पे भीड़ सारी उमड़ी, वहीं पे वो लोग जाएंगे वहीं पे पिकनिक करना, वो पिकनिक करेंगे शाम तक आएंगे घूम टहल के। वहाँ पे दोस्तों एक तरह समझ लीजिए उस पर मेला लगा हुआ है, और वहाँ पे जाएंगे घोड़ा वगैरह है दोस्तों, ऊँट वगैरह उस पर बैठा कर आपको घुमाया भी जाएगा, और आप देख पा रहे होंगे कैसे ये लोग बुला रहे हैं। और सभी लोग अच्छे से तैयार आ गए दोस्तों, आप देख रहे हैं वो जो देख रहे हैं वो नाव जा रही है दोस्तों, दोस्तों वो भी स्टार्ट हो गई, मतलब स्टार्ट हो गया अपने, तो दोस्तों वो नाव अब जाएगी उस पर, आप देख रहे हैं वहाँ पर जा कर के लगाई जाएगी उसको, और वहाँ पे लोग उतरेंगे फिर वापस आएगी यहीं 80 घाट के किनारे लगेगी। और आप देख रहे हैं हमारे सौरभ जी हैं और आशीष जी हैं यहाँ पे, बाबा से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, और जो सभी लोग बैठे हैं सब बाबा से आशीर्वाद ले लेकर के बैठे हैं पहले से ही। और दूसरी बात आप ये भीड़ देख रहे हैं, एक अलग दृश्य भीड़ है दोस्तों, ये जो मंदिर है दोस्तों ये ऐसी वैसी मंदिर नहीं है दोस्तों, प्राचीन हनुमान मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ खास बात दोस्तों कि यहीं पे एक शूटिंग हुई है हमारे भोजपुरी किसी फिल्म की, दिनेश जी का मूवी है वो, और कंगना जी बॉलीवुड मूवी है एक, उनका भी शूटिंग हुआ है। और दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था 10,000 जिसकी बुकिंग की चार्ज है उसका, आप देख पा रहे होंगे ये गंगा तैरणी है दोस्तों, तो उसके साथ एक छोटी नाव भी जाती है दोस्तों, अगर आप बुकिंग करते हैं इसका 10,000 में, तो ये छोटी नाव देख रहे हैं इसके लिए एक दो पनडुब्बी जाएंगे साथ में, जैसे आपको कोई गिर गया इसके मतलब इसमें से, तो वो पनडुब्बी मतलब पानी में डूब करके वो निकाल सकते हैं उनको तुरंत, तो इसके साथ अलग से पीछे से वो छोटी नाव भी जाती है दोस्तों, तो उसका एक अलग चार्ज होता है। तो दोस्तों आप उसको 10,000 में दे बताना चाहूँगा, इतना इन्जॉय ले लेंगे आप कह नहीं पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वहाँ पर वो डांस कर रहे हैं लड़के, तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 80 घाट के नज़ारे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं जोड़ा जोड़ी बैठाए जा रहे हैं, सिर्फ एक एक अभी स्टार्ट किए जा रहे हैं, कहने मतलब एक के बाद एक लोग बैठेंगे, और यहाँ से भी बैठने जा रहे हैं, और वो नाव जा रही है, आप जैसे देख रहे हैं, मैंने कहने मतलब ये दोस्तों लगातार लोग आए जाए लगाए हुए हैं, कहने मतलब भीड़ उमड़ रही है यहाँ, और ऊपर की भीड़ तो आप मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों कि रास्ता कैसे जाम है। और वो जो देख रहे हैं आप दोस्तों सुमेरत घाट है दोस्तों, वहाँ तक नाव चलती है, और उसमें बात ये रोबोट जैसी भी नाव आई है दोस्तों, वो अभी दिख नहीं रही है, अभी दिखाई जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे दोस्तों, बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर एक वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है जिसका नाम होगा भोजपुरी कॉमेडी तड़का, तो दोस्तों उसका आप लुप्त उठाइएगा दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वो भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए हमारे चैनल के तो आप उसको जल्द से जल्द अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों